गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर आपको मिलता है इंडिविजुअल मैथ जैसा एटमॉस्फेयर जिसमें आप अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, लगातार मोबाइल पे वीडियो को देखते रहना है। एक वीडियो को आप चाहे जितनी बार देखेंगे आपका मैथ्स एकदम सुधर जाएगा। तो हम लोग कर रहे थे परसेंटेज के, मैंने इसके पहले के 3 या 4 वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को अच्छे से देख लें। फिर आपको करना क्या है, आप इसके पहले हमने डिस्कस किया था x बटा 100 प्लस माइनस x का होल स्क्वायर, मैंने फार्मूले का डिस्कशन किया था। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था ये फार्मूला, और इस फार्मूले पर हमने काफ़ी सवाल किए थे और बहुत से सवालों को हमने आंसर किया था। आज हम उसी बात को आगे लेके चलेंगे और आज आप देखेंगे कि कम से कम 2 या 3% का चेंज होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति की सैलरी अगर 100 रुपये थी, ठीक है, मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की सैलरी को एक बार 10% से इंक्रीज किया गया, एक बार 10% से बढ़ाया गया और दूसरी बार फिर 10% से उसकी सैलरी को बढ़ा दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल चेंज कितना होगा, तो इस बात को आप कैसे शो करेंगे, इसकी बात के लिए कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लोग कई तरीकों से बताते हैं, तो मैं भी आपको 1-2 तरीके बताऊंगा। उसके बाद में एक फार्मूला भी देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे इस सवालों को हम कैसे करते हैं। तो इस पार्ट में हम ऐसे ही सवाल करेंगे, काफ़ी सवाल करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर एकदम बेसिक से मैं बात करूं, मुझे व्यक्ति की सैलरी नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, आपकी जो उसकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 100 पे पढ़ना बड़ा आसान होता है, इसलिए हमने 100 मान लिया। अगर इसको मैं 100 कह देता हूं, तो आप देखो इसकी सैलरी को अगर मैं 10% इंक्रीज करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बच्चों बताओ इसे मैं 10% और इंक्रीज करता हूं, तो वो कहेंगे कि सर ये आपका हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, मैंने यहाँ पे 10 बढ़ाया था, तो वो भी तुरंत 10 बढ़ा देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, आप इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे कि यहाँ पर 100% का 10% होता था, बट यहाँ पर 110 का 10% 10 नहीं होगा, वो कितना होगा, आप देख लो 110 का 10% जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अगर ये 11 होता है, इसका मतलब इसमें 11 जुड़ना चाहिए। अगर इसमें 11 जुड़ेगा, तो ये 120 ना आके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 121। अब आप देख सकते हो उस बंदे की सैलरी कितनी थी, 100 थी, 100 से कितनी हो गई, 121 हो गई। इसका मतलब उसकी जो सैलरी थी वो कितनी बढ़ चुकी है, 21% उसकी सैलरी में इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल चेंजेस कितना आया, 21% का आया। इसी बात को मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। एक काम आप और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक मैं फार्मूले की तरह यूज कर सकता हूँ, 10 इंटू 100 हो जाएगा। इसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, भाई इसमें भी 10% बढ़ाना है, बढ़ा दो 10%, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 10% बढ़ाना है, फिर आप बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 121। आप देख सकते हो पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 121। कितना इंक्रीज आया, 21% का आया। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इसके अलावा हम लोग इसमें फार्मूला भी यूज करते हैं, और उस फार्मूले से हम डबल चेंज निकाल सकते हैं, ट्रिपल चेंज को भी वहाँ से ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या है हमारा। फार्मूला मेरा है x वाई बटा 100। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होता है। ये आपको बताता क्या है, ये आपको बताता है प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। क्या बताता है, ये आपको प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बताता है, मीन्स ये चेंज बताता है। अब आप क्या करोगे,
कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे इसको भी आप ध्यान दे लो। जब आपको वृद्धि दिखेगी या किसी चीज़ को बढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे, किसके लिए, वृद्धि के लिए। और आपको क्या करना है, फिर आप क्या करोगे इसके बाद, इसके बाद आप माइनस यूज करोगे कब, जब आपको कमी होगी, मींस जब वृद्धि करेगा या बढ़ाया जाएगा तो हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और जब कमी की जाएगी या घटाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। तो अभी मैं जो सवाल लिया था अगर मैं उसकी बात करूं तो 10% वन टाइम्स इंक्रीज किया गया, सेकेंड टाइम भी 10% इंक्रीज किया गया। तो अगर इसे मुझे फार्मूले पे करना है तो आप देखो इंक्रीज इंक्रीज, वृद्धि वृद्धि, तो मैं क्या करूँगा, दोनों पे प्लस यूज करूँगा। तो अगर मैं इस फार्मूले का यूज करके इस सवाल को लगाता हूँ तो आप देखो कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू प्लस 10 बाई 100। 10 नहीं लिखा जाता, प्लस नहीं लिखा जाता, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर माइनस आया होता तो मैं लिखता। अब आप देख लो यहाँ पे ये दो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 मिला के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, देन हमारा जो चेंज होगा वो कितना होगा, 1, ये आपका हो जाएगा 21%। तो ये आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे हैंडल करना है। इस पे बहुत तरीके के प्रश्न बनेंगे, कहेंगे कि चावल के दाम में 25% वृद्धि हो गई तो अपनी कमी में कितने, अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि उस पर कोई प्रभाव न पड़े। इस पे आधारित प्रश्न और आते हैं, कैसे आयत की लंबाई को इतने परसेंट बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को इतने परसेंट घटाया गया तो उसके एरिया में कितना चेंज पड़ेगा। तो इसी तरीके के प्रश्नों को हम इस वाले पार्ट में करेंगे। आइए अब हम इस पे आपको दिखाएंगे कि कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्ट का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद एक व्यक्ति ने अपने चावल की खपत को 20% बढ़ा दिया। आप देखो दाम में भी वृद्धि हुई है और उसके खपत भी बढ़ा दिया, बच्चे हो गए होंगे, ज़्यादा लोग हो गए होंगे, खपत क्या हो गया, बढ़ गया, तो कुल खर्च में कितना प्रभाव पड़ा। इसको मैं फार्मूले भी कर सकता हूँ x + y (x, y)/100 से, लेकिन पहले आप इसको ऐसे देख लो, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मूल्य, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मूल्य, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ खपत, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ खपत, मूल्य खपत और बराबर ये क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ भाई 10 × 10 = मैंने 100 बताया था, तो उसी को मैं थोड़ा बड़े रूप में क्या लिख सकता हूँ, 100 × 100 = 10,000। आप 10 × 10 करके भी लगा सकते हैं और ये करके भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ परसेंटेज थोड़ा बढ़ाना कठिन काम होगा, यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, अब आप देखो उसका मूल्य बढ़ा है, मैं बढ़ा दूंगा कितना, 25%। अगर इसे मैं 25% बढ़ाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। अगर पहले 100 रुपये में मिलता था तो अब कितने मिलेगा, 125 में, और ये भी बढ़ा है, इसे भी मैं बढ़ा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20%, ये इंक्रीज हुआ है 20% और ये इंक्रीज हुआ है मेरा 25%। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, आप देख लो ये जीरो और ये जीरो आ जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 और 6 = 30, 12 × 1 = 12 और 3 = 15। आपसे पूछा गया है तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहले कितना खर्चा था, 10,000, अब कितना हो गया, 15,000। तो खर्चे में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 5,000, कितना हुआ है, 5,000। हमें बताना है परसेंटेज में, तो किससे इंक्रीज हुआ है, यहाँ मैं 10,000 से करता हूँ। आपको मैंने पार्ट नंबर 1 में एकदम बेसिक से बताया था कि कौन सा नंबर नीचे जाता है और कौन सा नंबर ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा 10,000 × मैं कर दूंगा 100। आप देखो 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 5×10 = 50। तो जो चेंज आया है वो कितने प्रतिशत का आया है, 50% का चेंज आया है। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इसे मैं x + y से भी कर सकता हूँ, आप उससे भी देख लीजिए, ठीक है, आप उससे भी देख लीजिए, नोट हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, मिटाते हैं। आइए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, छापते रहिए आप लोग और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है।
बस जल्दी ही आप लोगों के प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे, कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, एक बार ख़त्म करेंगे फिर आपके लिए प्रैक्टिस बैच लाते रहेंगे, प्रैक्टिस सीट आपको मिलती रहेगी, सोल्यूशन यूट्यूब पे देते रहेंगे, आप भी खुश हम भी खुश, क्लियर। आइए देखते हैं दूसरा मेथड। मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई बाई 100, क्लियर। यहाँ माइनस में यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहीं कमी नहीं हुई है, जब कमी होगी तो मैं माइनस यूज कर लूँगा। ये हो जाएगा मेरा पहला कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 20 बाई 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। आप देखो 25, 20, 45 और ये 5, कितना चेंज आया 50%। ये हमेशा मुझे परसेंटेज में ही बताता है, मुझे परसेंटेज में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारा पहला सवाल, आपने देखा कि कितने प्रतिशत का चेंज, जो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी ये मेरा पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, इसी सवालों को मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा आपके लिए, आप इंतज़ार करेंगे बस 2 मिनट का आपके बाद, उसके बाद तुरंत आपको इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स, दबाइए बेल आइकन घंटे को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।